आज के इस कंपटीशन के जमाने में अगर प्रोग्रेस चाहिए तो बचपन से ही एफर्ट्स लगाने जरूरी है, यानी स्कूल लेवल पर ही अपनी स्किल्स और एफिशिएंसी को इम्प्रूव करते रहना जरूरी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इतने केपेबल होंगे कि पूरी दुनिया से कॉम्पीट कर पाएंगे। अपना पोटेंशियल दिखाने का ये मोटिवेशन नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जाम्स में छुपा है, इसलिए स्टूडेंट्स को स्कूल लेवल पर रहते हुए ओलंपियाड में पार्ट जरूर लेना चाहिए ताकि खुद को लगातार इम्प्रूव किया जा सके। और इसीलिए आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम आपको ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में बताने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और ओलंपियाड एग्जाम के बारे में डिटेल में जानते हैं। ओलंपियाड ऐसे प्रेस्टिजियस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जो क्लास फर्स्ट से ट्वेल्थ तक के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। इन एग्जाम्स को क्रैक करना एक स्टूडेंट के करियर का बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है और उस स्टूडेंट का विजन और टारगेट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने भर से भी बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि इस तरह के रेप्यूटेड और प्रेस्टिजियस एग्जाम की वैल्यू नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर होती है। ये एग्जाम साइंस, मैथमेटिक्स और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं और स्कूल सिलेबस पर बेस्ड होते हैं। इंडिया की बहुत सी फाउंडेशंस ओलंपियाड एग्जाम्स कंडक्ट करती है ताकि स्टूडेंट्स के अंदर छुपे जीनियस को बाहर निकाला जा सके और वो टैलेंट न केवल उस स्टूडेंट का फ्यूचर ब्राइट करे बल्कि बहुत से स्टूडेंट्स के लिए इंस्पिरेशन भी बने। ज्यादातर ओलंपियाड एग्जाम्स स्कूल के थ्रू ही हुआ करते हैं, जबकि कुछ में स्टूडेंट डायरेक्शन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओलंपियाड विनर्स को मेडल, सर्टिफिकेट्स और स्कॉलरशिप भी दी जाती है। इंडिया में कंडक्ट किए जाने वाले 10 मेजर ओलंपियाड एग्जाम्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है SOF, साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन। ये इंडिया की एक पॉपुलर फाउंडेशन है जो ओलंपियाड एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए जानी जाती है। ये एग्जाम्स क्लास 1 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। ये फाउंडेशन कई सब्जेक्ट्स में ये एग्जाम कंडक्ट करती है, जैसे नेशनल साइंस ओलंपियाड यानी कि NSO, नेशनल साइबर ओलंपियाड यानी कि NCO, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड यानी कि IMO, इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड यानी कि IEO, इंटरनेशनल कॉमर्स ओलंपियाड यानी कि ICO और इंटरनेशनल जनरल नॉलेज ओलंपियाड यानी कि IGKO। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.sofworld.org है, जहां से आप इस ओलंपियाड की कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। दूसरा है क्रेस्ट ओलंपियाड्स यानी कि ऑनलाइन ओलंपियाड एग्जाम्स। केजी से क्लास 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किए जाने वाला ये एग्जाम 6 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किया जाता है। क्रेस्ट साइंस ओलंपियाड यानी कि CSO, क्रेस्ट मैथमेटिक्स ओलंपियाड यानी कि CMO, क्रेस्ट इंग्लिश ओलंपियाड यानी कि CEO, क्रेस्ट रीजनिंग ओलंपियाड यानी कि CRO, क्रेस्ट साइबर ओलंपियाड यानी कि CCO और क्रेस्ट इंटरनेशनल स्पेल बी यानी कि CSB। www.crestolympiads.com इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तीसरा है सिल्वर जोन फाउंडेशन। ये एक NGO है जो स्कूल लेवल्स पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक सीरीज चलाता है। ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर एग्जाम्स को कंडक्ट करने वाली फाउंडेशन है जो एक साल में अलग अलग टाइम पर 9 ओलंपियाड एग्जाम्स कंडक्ट करती है। इंटरनेशनल इंफॉर्मेटिक्स ओलंपियाड यानी कि IIO, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ साइंस यानी कि IOS, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ मैथमेटिक्स यानी कि IOM, इंटरनेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड यानी कि ISSO, इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि IOEL, इंटरनेशनल फ्रेंच लैंग्वेज ओलंपियाड यानी कि IFLO, सिल्वर जोन ऑल इंडिया हिंदी ओलंपियाड यानी कि ABHO, स्मार्ट किड जनरल नॉलेज ओलंपियाड यानी कि SKGKO और इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड यानी कि ITHO। ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को www.silverzone.org। और अब आगे नंबर 4 पर है एसेट ओलंपियाड। एजुकेशनल इनिशिएटिव्स ऐसी एजुकेशनल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और दुनिया के लार्जेस्ट असेसमेंट कंपनीज में से एक है जो इंडिया और UAE के स्टूडेंट्स के लिए एसेट टैलेंट सर्च एग्जाम को कंडक्ट करती है। एसेट यानी कि असेसमेंट ऑफ स्कॉलास्टिक स्किल्स थ्रू एजुकेशनल टेस्टिंग, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस सब्जेक्ट्स के अलावा सोशल स्टडीज और हिंदी सब्जेक्ट्स में भी ओलंपियाड एग्जाम कंडक्ट करता है। ये एग्जाम इंडिया, UAE, सिंगापुर, गल्फ और अफ्रीका कंट्रीज के करिकुलम को कवर करता है। इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आप www.assisttalentsearch.com पर विजिट कर सकते हैं। तो अब आगे नंबर 5 पर है ICAS या IAIS,
ICAS मतलब इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस एंड असेसमेंट्स फॉर स्कूल्स को ही इंडिया में IAIS यानी इंटरनेशनल असेसमेंट्स फॉर इंडियन स्कूल नाम से जाना जाता है। ICAS प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कंडक्ट किया जाने वाला एग्जाम है। इस एग्जाम को एजुकेशनल असेसमेंट्स ऑस्ट्रेलिया यानी EEA सुपरवाइज करता है, जो UNSW ग्लोबल यानी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स का एक पार्ट है। इंडिया में चार मेजर सब्जेक्ट्स में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, IAIS इंग्लिश, IAIS मैथमेटिक्स, IAIS साइंस और IAIS डिजिटल टेक्नोलॉजीज। अब आगे नंबर 6 पर आता है HBCSE ओलंपियाड एग्जाम। होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन यानी कि HBCSE मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, जूनियर साइंस और फिजिक्स सब्जेक्ट्स में नेशनल ओलंपियाड प्रोग्राम्स को कंडक्ट करता है। ये एग्जाम हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए कंडक्ट किए जाते हैं और ये दो एग्जाम्स की फॉर्म में होते हैं। पहला है HBCSEIMO यानी कि इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड, जो कि 6 स्टेजेस में कंडक्ट किया जाता है, जिनमें से 5 स्टेजेस इंडिया में HBCSE द्वारा कंडक्ट की जाती है, जबकि लास्ट स्टेज को मेंबर कंट्री कंडक्ट करती है, जो कि हर साल अलग होती है। दूसरा है HBCSEISO यानी इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड, www.olympiads.hbcse.tifr.res.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। नंबर 7 पर आता है यूनिकस ओलंपियाड्स यानी कि समर ओलंपियाड्स एग्जाम्स। यूनिकस ओलंपियाड इंडिया में होने वाले पहले समर ओलंपियाड एग्जाम्स है और ये 6 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किए जाते हैं। यूनिकस साइंस ओलंपियाड यानी कि USO, यूनिकस मैथमेटिक्स ओलंपियाड यानी कि UMO, यूनिकस इंग्लिश ओलंपियाड यानी कि UEO, यूनिकस साइबर ओलंपियाड यानी कि UCO, यूनिकस जनरल नॉलेज ओलंपियाड यानी कि UGKO और यूनिकस क्रिटिकल थिंकिंग ओलंपियाड यानी कि UCTO। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए आप www.unicusolympiads.com पर जा सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। नंबर 8 पर है यूनिफाइड काउंसिल ओलंपियाड एग्जाम्स। इस एग्जाम के लिए इंडिया, UAE, KSA, यमन, तंजानिया, ओमान, ईरान, कतर, कुवैत, इंडोनेशिया और नेपाल के स्टूडेंट्स एलिजिबल है। ये एग्जाम्स 3 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किए जाते हैं, यूनिफाइड इंटरनेशनल इंग्लिश ओलंपियाड यानी कि UIEO, यूनिफाइड साइबर ओलंपियाड यानी कि UCO, यूनिफाइड इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड यानी कि UIMO। इसके अलावा यूनिफाइड इंडियन स्कूल्स के लिए नेशनल लेवल साइंस टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन यानी कि NSTSE भी कंडक्ट करता है और इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप इनकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं www.unifiedcouncil.com पर। आगे नंबर 9 पर है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड। इंडियन टैलेंट ओलंपियाड यानी कि ITO के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाने वाले ओलंपियाड एग्जाम्स स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं, जो कि इन सब्जेक्ट्स में कंडक्ट किए जाते हैं। इंटरनेशनल साइंस ओलंपियाड यानी कि ISO, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड यानी कि IMO, इंग्लिश इंटरनेशनल ओलंपियाड यानी कि EIO, जनरल नॉलेज इंटरनेशनल ओलंपियाड यानी कि GKIO, इंटरनेशनल कंप्यूटर ओलंपियाड यानी कि ICO, इंटरनेशनल ड्राइंग ओलंपियाड यानी कि IDO, इंटरनेशनल स्पेल ई ओलंपियाड यानी कि ISEO, नेशनल ऐसे ओलंपियाड यानी कि NESO, नेशनल सोशल स्टडीज ओलंपियाड यानी कि NSSO और नेशनल किंडरगार्टन ओलंपियाड। इसके बारे में जानकारी लेने के लिए आप जा सकते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर www.indiantalent.org पर। और अब आगे बात करते हैं नंबर 10 पर इंडियन कंप्यूटिंग ओलंपियाड की। ये IARCS यानी इंडियन एसोसिएशन ऑफ रिसर्च इन कंप्यूटिंग साइंस के द्वारा हर साल कंडक्ट किया जाने वाला नेशनल एग्जाम है, जिसके जरिए ऐसे 4 स्टूडेंट्स की टीम सेलेक्ट की जाती है जो इंडिया को इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फॉर्मेटिक्स यानी कि IOI में रिप्रेजेंट करती है। इनके अलावा मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में भी साइंस ओलंपियाड कंडक्ट किए जाते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.iarcs.org.in है। इंडिया में होने वाले ओलंपियाड की संख्या काफी है, जिनमें से 10 इम्पोर्टेंट ओलंपियाड के बारे में हमने बात की है और कुछ और इम्पोर्टेंट ओलंपियाड के नाम आपको बता देते हैं। टेरियन ओलंपियाड और ग्रीन ओलंपियाड एग्जाम्स, साउथ ईस्ट एशियन मैथमेटिक्स ओलंपियाड यानी कि SEAMO, NOF ओलंपियाड एग्जाम, नेशनल इकोनॉमिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल लाइफ स्किल ओलंपियाड, हमिंग बर्ड एजुकेशन ओलंपियाड और एड्यू हिल फाउंडेशन।
तो दोस्तों, हर फाउंडेशन के द्वारा कंडक्ट किए जाने वाले नेशनल और इंटरनेशनल ओलंपियाड एग्जाम का पैटर्न डिफरेंट होता है। इसलिए आप जिस फाउंडेशन के ओलंपियाड एग्जाम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं, जैसे कि क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न, एग्जाम की डेट और तैयारी के लिए मटेरियल क्या होना चाहिए। और इसी जानकारी के साथ क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और स्कूल लेवल पर रहते हुए कैसे अपना ब्राइट फ्यूचर तैयार किया जा सकता है ये भी बता पाई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि आपकी जानकारी बहुत काम आई है, तो प्लीज इसे लाइक करने के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। और साथ ही साथ ऐसी जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करें। मिलेंगे बहुत जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए रूबी आपसे कहेगी धन्यवाद।